जय गुरु। आज का आलोचना टॉपिक है छोटे बच्चे को कैसे समझाया के बोलेंगे, कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे पढ़ाई करने के लिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं छोटे बच्चे को बार बार पढ़ो पढ़ो बोलना नहीं है, उनको ऐसे बोलना है जैसे उनके अंदर इंटरेस्ट आएगा, अनुराग आएगा, उसको वो चालाकी से करना पड़ेगा और वो करने बाद वो ऑटोमेटिक उसी रास्ते में आ जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे। चलिए आलोचना शुरू करते हैं। आलोचना का शेष भाग में हिंदी में इसका जिस्ट या अनुवाद किया गया है, आप शेष भाग को भी सुनिए ताकि समझ में आ जाएगा। श्री श्री ठाकुर बसिजंती से समय पूजनीय छोट माँ आसले। श्री श्री ठाकुर आदर भरा स्वर में पचारे, बापाई सोना माने कनिष्ठ पुत्र पूजनीय काजल भाई कौन कहूँ? छोट माँ कहते मत खुशी करार चेष्टा खूब करे, आउ आपण खूब निशा, आपण विषय गप शुणा खूब भल पाए, बोस माँ को पाइले छाड़ा चाहे ना। कालिदासी दीदी और सुशील भाई ताको खूब भल पाती, काजला मध्य सेमानु पाइले बेस खुशी हुए। श्री श्री ठाकुर ससन ने कहले पिलांकु सुआ कले माँ मने करे, ताकु मध्य सुआ करा हेला। छोट माँ कहते तार सब भल किंतु पढ़ाशुना प्रति आग्रह देना। श्री श्री ठाकुर कहते तुम उपरे जेतेबेले टाण अच्छी सेतेबेले सेइथिरु समानुजाई सबू कण, बार बार पढ़ पढ़ बोली नक पढ़ाशुणा जपरी इंटरेस्ट अनुराग हुए सुकौशल पूर्वक ताबा को हुए तो कहल तो मुहर रामायण शुणा को मत खूब भल लगे, बेले बेले मत शुणु पढ़ला परे तारीफ करवा दरकार, पुणी जहा पढ़ी शुणाइला ताहा गल्प आकर कहीपे कि ना ताहा देखा को हम। पढ़वार मजाटा थे पाईगले पढ़ा अभ्यास होगले पाठ्यपुस्तक पढ़व, शीघ्र शीघ्र निर्भुल और परिष्कार भाव लेखिवा और अंक कसवा इत्यादि खेलला भली रीति शिखाइवा दरकार। यहीपरी करवा को हम जे गोटाए झुंक और जिदी चापी जाए, खेल और बुलाया विषय उत्साहित करवा दरकार। हाते हाते जदि किसी करने को चाहे से बाधा देवा ठीक नुहे, अवश्य ताहा जदि विपज्जनक न हुए, कौन सी कम नक यहीपर भाव बुझाई कहपरी से ही नक सिद्धांत से निजे नहीं पारे। पिला को जदि किसी उपदेश देवे ताहा निजे पालन कर, मार चाली चलन चरित्र अज्ञान सारे पिला प्रवेश कर जाए, तेणु पुत्र संतान भविष्य प्रति लक्ष्य रखी माँ को खूब हिसाब कर चलिया को हेबो। एहा चलारे बोलारे करिवारे भाविवारे सबु दिगरु आउ श्रेयनिष्ठ थिले एहा किंतु सहजरे होइथे। श्री श्री ठाकुर जी बोलले कि हमको बार बार बच्चे को बोलना नहीं है कि पढ़ो पढ़ो करके, जैसे ऐसे करके बोलना है कि तुम्हारे मुँह से मुझे रामायण सुना दो और वो सुनने के लिए मुझे अच्छा लगता है, और वो जब सुनाता है तो उसके बाद ज़रूर आप तारीफ कीजिए, और वो भी देखना है कि वो स्टोरी के आकर में बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, और एक बार वो पढ़ने का आदत डाल देगा तो वो उसी रास्ता में चलते जाएगा, और वो भी देखना पड़ेगा कि वो ठीक ठीक और निर्भुल और परिष्कार भाव से लिख रहा है या नहीं, और गणित या मैथमेटिक्स ठीक ठीक कर रहा है नहीं, और वो भी जैसे खेल कूद के साथ उसी रीति में उसको सिखाना है, और वो ऐसे करना है ताकि उसको एक धारा में आ जाएगा और उसको जैसे लगेगा कि उसका वो डेली हैबिट बन जाएगा और वो एक जिद्दी टाइप बन जाएगा और वो धीरे धीरे करने लगेगा।
उसके साथ खेलना और घूमने के बारे में भी उसको उत्साहित करना पड़ेगा। हाथ हाथ वो कुछ करना चाहे तो उसको भी बाधा देना नहीं चाहिए, इनकेस कुछ विपद ना हो तो। और कोई काम नहीं करने के लिए ऐसे समझाना पड़ेगा जैसे वही काम ना करने के लिए वो खुद सिद्धांत ले पाएगा या डिसीजन ले पाएगा कि ये काम मुझे करना नहीं है। बच्चों को यदि कुछ उपदेश देना है तो सबसे पहले उससे खुद हमको पालन करना पड़ेगा। माँ की चाली चलन चरित्र अज्ञान सार में बच्चे के अंदर घुस जाता है, तो इसलिए बच्चों को भविष्य के लिए माँ को खूब चालाकी से हिसाब से सतर्क के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसी हिसाब से उसके सामने व्यवहार बिहेवियर वो सब करना पड़ेगा। चलने में बोलने में करने में सोचने में सभी दिशा में वो भाव को लाना पड़ेगा और सहनिष्ठा होने से ये सब कुछ सहज में हो जाता है। जय गुरु।